हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आरिफ खान। स्वागत है आपके अपने चैनल समाज सेवा टेक पे। आज हम राशन कार्ड की आईडी निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, एंड देन न्यू टैब ओपन करके लिखना है JK.EPDS। लिखने के बाद आप EPDS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। देन आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देन आपको MIS रिपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे रिपोर्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है राशन कार्ड ड्रिल डाउन रिपोर्ट, इससे भी निकाल सकते हैं। और NFSA पर नॉन NFSA राशन कार्ड ड्रिल डाउनलोड डाउन रिपोर्ट, इससे भी इन दोनों पर क्लिक करके आप अपने आगे स्टेप पर जा सकते हैं। देन आपको आगे क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ से हूँ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ सेलेक्ट करूँगा। एंड देन आपको आगे क्लिक करना है अपनी तहसील, यानी मैं TSO, मेरा TSO मेंडर है तो मेंडर ही सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास डीलर का नाम आ जाएगा। जैसे मेरा क्यूम डीलर है तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब डीलर का नाम आने के बाद आप कंट्रोल एफ करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं। कंट्रोल एफ करने के बाद आप अपना नाम इंटर करें, यानी अपना नाम टाइप करें और इंटर के बटन को प्रेस करें, आपका नाम शो हो जाएगा। तो आप उसको इस तरह आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल समाज सेवा टेक को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।